वैसे आपको बताता चलूँ, हंटिंग भी मेरी हॉबी रही है। बड़ा बड़ा शिकार किया मैंने, मसाई मारा में, ओकावांगो में, अफ्रीका में। अब तो शिकार पे वैसे भी पाबंदी लग गई है। मैंने बब्बर शेर शिकार किया हुआ है और अब तो वैसे भी जाते नहीं हैं पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा। तो आपको छोटा सा एक वाक्या सुनाता चलूँ। बब्बर शेर मैंने मारा था मसाई मारा में। बब्बर शेर की दोनों आँखों के सेंटर में मैंने शॉट किया था, लेकिन बब्बर शेर फिर भी ज़िंदा था। और मुझे बाद में पता चला कि वो दो बब्बर शेर थे और उन्होंने एक एक आंख बंद की हुई थी ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे आ रहे थे मेरी तरफ। उस दिन के बाद फिर मैंने अपने जो है ना इस शोबे को छोड़ दिया और अब जो है वो मैंने शेर छोड़ के गुब्बारे शुरू किए। ग्रिप ऑन ट्रिप के आज के एपिसोड में हम सैर करेंगे गलियात में मौजूद अयूबिया नेशनल पार्क की, जो कि पाकिस्तान के सूबा केपीके में वाकया है। ये बहुत फेमस फैमिली पिकनिक स्पॉट है और इसका एक्सेस बहुत ही आसान है। अयूबिया पहुंचने के लिए अगर आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करें तो आप मरी रोड पर तकरीबन 90 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और 2 से 2.25 घंटे में आप अयूबिया पहुँच जाएँगे। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, इसलिए हर किस्म की गाड़ी यहाँ जा सकती है। अलबत्ता मरी रोड पर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और बड़ा ही मज़ेदार मौसम है। मैं आया हूँ इस वक्त अयूबिया नेशनल पार्क में। अयूबिया में हम लोग चेयर लिफ्ट पे टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। और यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है, पहले 3 घंटे मैंने वेट किया है तो हम बारिश में निकलने लगे हैं। और एक गलती ये हो गई है कि कुछ लेके नहीं आए हम, बस एक शर्ट है मेरे पास, उसे पहन लेंगे। कोई हुडी यहाँ पर नहीं है। चेयर लिफ्ट की इंडिकेशन दी गई है, 350-300 रुपये की टिकट होगी आई थिंक, मुझे इतना ही पता चला है। तो वो लेके हम ऊपर जाएंगे, ऊपर चल के हम एक्टिविटीज़ देखेंगे और देखेंगे कि फैमिलीज़ के लिए वहाँ पर क्या क्या सहूलतें हैं और इस वक्त वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। आजकल तो वैसे भी टूरिज्म ओपन है, तो मेरे साथ रहिए। एडल्ट के लिए 350 रुपये की टिकट है और 10 साल तक के बच्चे के लिए 220 रुपये की। लाइनें लेकिन लगी नहीं है, चल के लाइन में लगते हैं। ये तकरीबन 300 मीटर की राइड बनती है जो आप चेयर लिफ्ट पे लेते हैं और एंड पे आके ये बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाती है। यार ये छोटे बच्चों को नहीं लेके आना चाहिए, बहुत डर रही है। हाँ, बीच में रुकी थी, खड्डा तो वो पानी गिर रहा था कैमरे पे। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसका जो असेंड है नाजरीन वो ओए कौन आ रहे थे ये देखें, इस तरह के भी कुछ जांबाज होंगे। अलादीन का फ्लाइंग कारपेट जा रहा है नाजरीन। लोड शेडिंग की वजह से हम बीच चौराहे में रुक गए हैं, हवा में मोलिक हैं इस वक्त। और ये आप देख रहे हैं सामने से आने वाली भी नहीं चल रही, खैर वो चलेंगे तो फिर हम भी चलेंगे। हैंगिंग चेयर लिफ्ट का मज़ा भी ले रहे हैं। अभी मुझे फ़ोन आ गया था तो मैंने इतनी मुश्किल से सामान भी पकड़ा हुआ है, बैग भी पकड़ा हुआ है और चेयर लिफ्ट भी माशाल्लाह बहुत ही सिक्योर किस्म की है, तो फ़ोन निकाला है तो मोबिलिंग की कॉल थी, कॉलर ट्यून लगवाने उस आदमी मैंने बहुत चढ़िया है तो संगत में तुम। अच्छा, जब ये इसका टावर आता है ना वहाँ पर ये तीन से चार झटके लेती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। मेरी तरह देख लें, बिल्कुल भी मैं घबरा नहीं रहा। ये मेरे कैमरा मैन ने देखे इसका रंग उड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि ये इतना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसमें बेल्ट्स नहीं हैं और आपके जो पैर हैं उसी पे आपने इसका रखा हुआ है सारा बैलेंस, क्योंकि अगर आप पैर उठाएंगे तो ये आपके सामने वाला फ्रंट डेस्क का जो ऊपर आ जाएगा और आप बिल्कुल ही अनकवर हो जाएंगे।
चेयर लिफ्ट पर बैठ कर हम टॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है, लेकिन लोग फिर भी आए हुए हैं। सर्दी लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई है एकदम से। यहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग मिलती है, यहाँ पे हर किस्म का रेस्टोरेंट मौजूद है, यहाँ पे रात रुकने वाले होटल भी मौजूद हैं। बादलों ने इस वक्त घेरा हुआ है पूरे यूबिया टॉप को, और ओहो ठंडी हवा चल रही है। तो अभी यहाँ पे एक्टिविटीज़ में बच्चों के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पे शूट गन है, घोड़ा के हर चीज़ का रेट भी लिखा हुआ है, अच्छी चीज़ है, कोई ज़्यादा आपको ओवर चार्ज नहीं करता। और सवेनियर शॉप भी हैं, बाकी चिप्स पकौड़ा, कॉफ़ी, बच्चों का अम्यूज़मेंट पार्क, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। तो हम भी थोड़ा सा फिरते हैं, देखते हैं। फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर बात करें तो अयूबिया में हर किस्म के नेटवर्क के मोबाइल सिग्नल आते हैं। यहाँ हर किस्म के होटल दस्तियाब हैं और अमूमन इनकी रेंज 3000 से स्टार्ट होती है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो अयूबिया में आपको हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बआसानी मिल जाती है। और दो काम बहुत ज़रूरी हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं कि अयूबिया जाने के लिए आपके पास एक जैकेट का होना और दूसरा अम्ब्रेला या किसी रेनकोट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं खा तो रहा हूँ इसे, लेकिन मुझे मुकम्मल यकीन है कि कैचअप नहीं है, ये कोई केमिकल है, उससे मिलता जुलता। केमिकल ही है, बहुत मजे की गर्म सी है, बारिश में आपको ठंड लग रही है, बेहतरीन मेन्यू है। अभी बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई है और लोग भी निकलना शुरू हो गए हैं। मैंने आज जैसे कि आपको बताया था, हम पहले गीले हो गए थे और कॉफ़ी पी के भी सर्दी जो है वो नहीं गई, शिवरिंग स्टार्ट हो गई है और गीले भी हो गए हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क भी है, बड़ा प्यारा टॉप है, अच्छा फैमिली स्पॉट है। और अब मेरा ख्याल निकलना चाहिए वापसी के लिए। ओह निज़ाम है भाई, मौसम की बात कर रहा हूँ नादरी। अयूबिया का सफ़र मेरा ख़त्म हो गया है, चेयर लिफ्ट से हम नीचे आए हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन थी, कुछ भी नहीं लेके गए थे, ऊपर से बारिश ने गीला कर दिया हमें सारा। कैमरे में भी पानी है, उसको मैंने बंद कर दिया, इसलिए मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ। और अपने साथ हुडी, अपर, शॉल लाजमी रखें। ऊपर वैसे सिग्नल भी आते हैं और ऊपर हर तरह की सहूलत भी मौजूद है। तो बारिश का मौसम है और मुझे नहीं लग रहा कि शाम तक भी ये रुके, तो बस इंशाल्लाह आप निकलते हैं, वापसी का सफ़र है। और आप मुझे बताइएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे वैसे पर्सनली बहुत मज़ा आया है, डिफरेंट एक्सपीरियंस किया आज हमने। अल्लाह हाफिज़। अगर आप अयूबिया के करीब ही एक खूबसूरत आबशार देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं अंदरून लाहौर के 12 दरवाज़ों की तारीख के बारे में तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।